आज मेरे पास आई है एक बहुत ही स्पेशल आरसी कार। इसको मैंने बैंगलोर से खरीदा था, वो भी बहुत ही सस्ते प्राइस में। इसको बोलते हैं टोयोटा लैंड क्रूजर LC80 मॉडल। इस तरह की कार है इस बॉक्स के अंदर। चलो गाइस फटाफट से बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। एक्चुअल में ये जो कार है एक बहुत ही सस्ती ऑफ रोडर आरसी कार है। आपको पता होगा बैंगलोर के प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते प्राइस में भी मिल जाते हैं। तो फटाफट से बॉक्स को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। आज इसकी काफी भयंकर तरीके से मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ। देखते हैं क्या हमारे टेस्टिंग में ये कार पास हो पाती है या नहीं। पैकिंग ठीक ठाक है पर बॉक्स की पूरी बैंड बच चुकी थी। पता नहीं यार कुरियर वाले हमेशा बैंगलोर से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बॉक्स को तोड़ फोड़ देते हैं पूरी तरीके से। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स है, स्टिकर्स है, ये इसकी यूज़र गाइड है, ये है हमारी कार, इसको थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, बहुत ही कमाल की बैटरी दी गई है, ये एक्चुअल में 7.4 वोल्ट 500 mAh की बैटरी है, और ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। आपको पता होगा WPL ब्रांड की जितनी भी कार्स होती है उनके अंदर इसी तरह का रिमोट मिलता है। ये रिमोट की सबसे खास चीज है, सिंगल हैंड से आप इसको यूज कर सकते हो। ऊपर की तरफ ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से इसकी स्टीयरिंग कंट्रोल हो जाती है, ये इसकी स्टीयरिंग घुमाने के लिए है, यहाँ पे इसका ट्रिगर है। रिमोट की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील भी इसके साथ दिया गया है। एक्चुअल में ये जो टायर है यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। ये टोयोटा लैंड क्रूजर 1:16 स्केल मॉडल पे बनाई गई है। साइड से इसका लुक बहुत ही ज्यादा यूनिक है। साइड मीटर्स है, साइड इंडिकेटर्स है, डोर हैंडल्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। पीछे की तरफ एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील मैंने लगा दिया है, नंबर प्लेट लगा दिया है, यहाँ पे भी स्पेयर व्हील दिया गया है। बाकी व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है ऑफ रोड चलने के हिसाब से। सस्पेंशन भी इसके अंदर है, देखो बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्मूथ सा सस्पेंशन इसका देखने को मिल जाता है। सामने का लुक टाटा सफारी होती थी ना गाइस, बिल्कुल उसी तरह की ये दिखाई दे रही है। सामने काफी बड़ा सा बम्पर है, सामने हेडलाइट है, और ये हेडलाइट और इंडिकेटर्स इसकी काम करती है। स्नॉर्केल भी इसके अंदर दिया गया है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कार दिखने में काफी ज्यादा परफेक्ट, काफी ज्यादा रगड़ है ऑफ रोड चलाने के हिसाब से। अंदर की तरफ स्टीयरिंग आप देख सकते हो, डैशबोर्ड देख सकते हो, पीछे की तरफ यहाँ पे सेकंड रो भी देख सकते हो, इसके अंदर भी सीट्स नजर आ रही है। यहाँ पे इसकी डिक्की का एरिया है, काफी बड़ी इसके अंदर बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सिंगल मोटर है, सिंगल मोटर से ही दोनों शाफ्ट जुड़े हुए हैं। ये दोनों व्हील्स को और पीछे के दोनों व्हील्स को पावर मिलती है, इस वजह से ये कंप्लीटली फोर व्हील ड्राइव आरसी कार है। बाकी यहाँ पे जितने भी पार्ट्स है देख सकते हो ABS प्लास्टिक के बने हुए हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। इसके अंदर बैटरी डालने का सिस्टम सामने बोनट के नीचे ही दिया गया है, इसका बोनट पूरी तरीके से ऊपर उठ जाता है। आप चाहे तो इसके अंदर काफी बड़ी वाली बैटरी भी लगा सकते हो, क्योंकि देख सकते हो इसका बैटरी कंपार्टमेंट काफी ज्यादा बड़े साइज का है। तो आज टोयोटा लैंड क्रूजर के साथ फाइट कराने के लिए मेरे पास आ चुकी है मिलिट्री हमर, मिलिट्री जीप, और एक बहुत ही खतरनाक और रगड़ ट्रैक्टर भी है मेरे पास। आज देखते हैं गाइस ट्रैक्टर का मुकाबला क्या टोयोटा लैंड क्रूजर कर पाएगी या फिर नहीं। ये एक मिलिट्री हमर होने के कारण देखो गाइस इसके ऊपर बहुत सारा आर्मर वगैरह लगा हुआ है। ऊपर की तरफ रूफ लाइट्स भी इसके अंदर दी गई है, और ये बहुत ज्यादा ब्राइट होती है नाइट में। अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हो मिलिट्री के हिसाब से एकदम रेड कलर का दिया गया है। ट्रैक्टर को मैं इसके साथ कंपैरिजन करके देखूं तो गाइस देखो कंपैरिजन करना जम नहीं रहा यार, क्योंकि ट्रैक्टर इसके मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े साइज की है। फिर भी आज देखते हैं क्या लैंड क्रूजर इतने बड़े और इतने खतरनाक दिखाई देने वाले ट्रैक्टर को हरा पाएगी या फिर नहीं। चलो गाइस अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं लैंड क्रूजर में कितना है दम। ओके गाइस सबसे पहले एकदम ब्रांड न्यू टोयोटा लैंड क्रूजर को मैं चलाने वाला हूँ, देखते हैं ऑफ रोड में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसको मैं काफी आराम से सिंगल हैंड से भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इसका सस्पेंशन मेरे को काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है। अब एक काम करते हैं थोड़ी बहुत क्लाइंबिंग भी करा के देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, इसके ऊपर देखते हैं क्या टोयोटा लैंड क्रूजर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। इसको मैं थोड़ी सी मीडियम स्पीड में चला के देखने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे देखो काफी आराम से आधे पत्थर तक तो ये चढ़ाई कर चुकी है। यहाँ से मेरे को लगा था कि ये फिसल के नीचे आ जाएगी, पर ये कार इतनी ज्यादा पावरफुल है कि देखो और सिंगल अटेम्प्ट में ही ऊपर चढ़ चुकी है, और मैंने इसको नीचे भी उतार के देखा है काफी आराम से ये इतने बड़े पत्थर के ऊपर से नीचे भी उतर चुकी है। अब यहाँ पे एकदम खड़ी चढ़ाई है गाइस, देखते हैं ये टेरेन में किस तरीके से हमारी टोयोटा लैंड क्रूजर परफॉर्म कर पाती है। मेरे को लगा था गाइस इसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी घास है, पर ये कार काफी आराम से यहाँ पे भी क्लाइंबिंग कर चुकी है। मैंने जितना सोचा था ना गाइस ये कार उससे ज्यादा बढ़कर निकल रही है। अब मैं चलाने वाला
वाला हूँ आरसी ट्रैक्टर को। इसके रिमोट के ऊपर काफी बड़ा एंटीना भी दिया गया है ताकि हम इसको ज्यादा दूर तक चला सके। ठीक ठाक तरीके से मिट्टी में तो चल रही है, अब इसको थोड़ा सा घास में भी चला के देखते हैं। आपको पता होगा जो रियल ट्रैक्टर होती है उसको आप कहीं पे भी चला लो, काफी बढ़िया तरीके से चल सकती है। आप देखते हैं क्या ये आरसी ट्रैक्टर हर जगह पर चल पाएगी या फिर नहीं। ग्रास में तो चल रही थी, जैसे ही मैं इसको क्लाइंबिंग के लिए लेके आया हूँ देखो गाइस यहाँ पर ये फिसलने लगी है। रीजन, इसके जो व्हील्स है कम्प्लीटली प्लास्टिक के बने हुए हैं, इस वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। तो मेरे को नहीं लग रहा है गाइस ये ऊपर चढ़ पाएगी। बाकी आप टेस्ट करते हैं अपनी मिलिट्री हमर को, देखते हैं गाइस क्या ये क्लाइंबिंग कर पाएगी या फिर नहीं टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी। ओ माय गॉड, मेरे को लगा था गाइस ये काफी तगड़ी होने के कारण काफी आराम से ऊपर चढ़ जाएगी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है। फिर भी देखो गाइस इसकी मोटर में उतनी ज्यादा पावर नहीं है कि ये क्लाइंबिंग कर सके। अब सेम टेस्ट मैं मिलिट्री जीप के साथ भी करने वाला हूँ। मेरे को लग रहा था गाइस ये भी नहीं चढ़ पाएगी, पर इसकी व्हील्स के ऊपर ग्रिप काफी अच्छी दी गई है और इसकी मोटर भी काफी पावरफुल है, इस वजह से देखो ये काफी आराम से क्लाइंबिंग कर चुकी है टोयोटा लैंड क्रूजर की जैसे ही। और इसको मैंने बड़ी बड़ी झाड़ियों में भी चला के देखा है, ये बहुत परफेक्टली चल रही थी। पर जब मैं इसको नीचे उतार रहा था गाइस इसका बैलेंस खराब होने के कारण ये पलटी मार के नीचे गिर गई थी। फिर मैंने टोयोटा लैंड क्रूजर के साथ भी सेम टेस्ट करके देखा, टोयोटा लैंड क्रूजर भी यहाँ पे पलटी मार के नीचे गिर गई थी और उसका बोनट टूटते टूटते रह गया था। अब देखो ये बड़े से पत्थर पर टोयोटा लैंड क्रूजर तो काफी आराम से चढ़ गई थी। अब देखते हैं क्या मिलिट्री जीप ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। इसका वजन पीछे की तरफ ज्यादा होने के कारण ये ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। देखो सामने के व्हील्स बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ठीक है, अब ये मिलिट्री हमर को इतने बड़े पत्थर पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं गाइस। मेरे को लगा था कि भाई ये आराम से चढ़ जाएगी, पर देखो इसके व्हील्स यहाँ पर स्लिप होने लगे हैं, ये भी यहाँ पर कंप्लीटली फेल हो चुकी है। सिर्फ यहाँ पर टोयोटा लैंड क्रूजर की परफॉर्मेंस मेरे को काफी ज्यादा तगड़ी लगी। ये दोनों ही कार्स ऑफ रोड में चलाने के लिए ही बनाई गई है। अब इनकी मैं रेस कराने वाला हूँ एकदम खतरनाक से जंगल में, देखते हैं दोनों में से कौन जीता है। यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूजर पलट गई यार, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा आ गया था। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री जीप की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा तगड़ी है, ये गड्ढों में भी बहुत परफेक्टली चल रही है। अब देखो टोयोटा लैंड क्रूजर भी इसके बराबर में आ चुकी है। ओ माय गॉड, इसकी स्पीड देख रहे हो गाइस, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में भी इसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। ओ भाई साहब, इसको मैं ऊपर चढ़ा ही रहा था, यहाँ से लुढ़क के नीचे आ चुकी है। अब देखते हैं क्या ये मिलिट्री जीप ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। देखो क्लाइंबिंग कराने के चक्कर में दोनों ही यहाँ पे पलट गई है, पर टोयोटा की जो लैंड क्रूजर है ये जीत गई है रेस को। अब ये दोनों कार्स की रेस कराते हैं एकदम दलदल वाले कीचड़ में, यहाँ पे काफी डिफरेंट टेरेन है, देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीता है। मिलिट्री हमर थोड़ा सा आगे निकल गई थी, पर टोयोटा की लैंड क्रूजर इससे थोड़ी सी फास्ट मेरे को लग रही है। यहाँ पे इतना गहरा कीचड़ है कि गाइस मेरे को चलना नहीं आ रहा है यार, मेरा पैर कीचड़ में बार बार फंस रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो टोयोटा लैंड क्रूजर थोड़ी सी आगे निकल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री हमर भी ठीक ठाक तरीके से चल रही है, पर टोयोटा लैंड क्रूजर की स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है और ये जीत चुकी है रेस को। ऑलराइट गाइस, अब इन दोनों की रेस कराने वाला हूं मैं मिट्टी में, देखते हैं इन दोनों में से कौन सबसे बढ़िया तरीके से चलता है मिट्टी के अंदर। रेस यहां पे स्टार्ट हो चुकी है, दोनों की स्पीड मेरे को उतनी ही लग रही थी, पर देखो गाइस यहां पे जैसे ही थोड़ी सी क्लाइंबिंग आई है ट्रैक्टर थोड़ा सा फिसलने लगी है क्योंकि इसके व्हील्स कंप्लीटली प्लास्टिक के बने हुए और इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप भी नहीं मिल पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ टोयोटा लैंड क्रूजर एकदम तगड़े तरीके से चल रही थी गाइस। देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहां पे, काफी आराम से ये यहां से भी निकल चुकी है। क्लियरली गाइस बार बार यहां पे टोयोटा लैंड क्रूजर रेस में जीत रही है। तो रेस में तो हर बार टोयोटा लैंड क्रूजर जीत रही थी। अब कराते हैं हमने सामने वाली फाइट, देखते हैं क्या फाइट में ये मिलिट्री हमर से जीत पाएगी या फिर नहीं। टक्कर होते ही देखो यार दोनों पीछे हट गए थे, यहाँ पे दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को पीछे ढकलने के लिए। दोनों ही कार बिल्कुल उतने ही पावरफुल मेरे को लग रहे थे, पर उतने में ही देखो यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूजर ने मिलिट्री हमर को ऊपर उठा लिया है। देखते हैं जिसको पटक पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड, इसने तो पटक के रख दिया यार। मेरे को लगा था कि दोनों के बीच में टाई हो जाएगा, पर टोयोटा लैंड क्रूजर बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। अब ये दोनों कार्स के बीच में फाइट कराते हैं यार, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। दोनों को बहुत दूर से मैं टकराने वाला हूँ। ये टक्कर हो चुकी है, दोनों के अंदर उतना ही इम्पैक्ट गिरा है। यहाँ पे दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को पीछे ढकेलने के लिए। दोनों ने एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश की है, पर यहाँ पे मिलिट्री जीप ने लैंड क्रूजर को उठा के पटक दिया है और लैंड क्रूजर यहाँ पे हार चुकी है, मिलिट्री जीप जीत चुकी है। ठीक है, तो अब कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस इस बार टग ऑफ वॉर में दोनों में से कौन जीतता है, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूजर पूरी पावर लगाकर मिलिट्री जीप को खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। देखो गाइस इस वजह से ये बहुत ज्यादा शेक भी हो रही है और इसने खींचना चालू कर दिया है मिलिट्री जीप को। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है, ये जीत भी चुकी है यार। मेरे को लगा था कि यहाँ पे टाई हो जाएगा या फिर मिलिट्री जीप जीत जाएगी, पर टोयोटा लैंड क्रूजर ने अपना बदला ले लिया है।
ओके गाइस, आप देखते हैं क्या टोयोटा लैंड क्रूजर इतनी बड़ी ट्रैक्टर के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। ओह माय गॉड गाइस, देख रहे हो ट्रैक्टर ने इसको चुटकी बजाते ही हरा दिया है। यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूजर गिर चुकी है पूरी तरीके से। यार सच में ये ट्रैक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इनके बीच में कराते हैं तको फोर, देखते हैं क्या टोयोटा लैंड क्रूजर इस बार ट्रैक्टर को हरा पाएगी या फिर नहीं। क्लियरली आप देख रहे हो टोयोटा लैंड क्रूजर 4x4 होने के कारण ट्रैक्टर को काफी आराम से घसीट के लेके जा रही है। ट्रैक्टर यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर मेरे को नहीं लगता गाइस ट्रैक्टर इसको रोक पाएगी। क्लियरली यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूजर जीत चुकी है और ये है सबसे ज्यादा पावरफुल कार। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इतनी सारी ऑफ रोड और आरसी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है आयान, यशराज, निपुण, दीपांशु, जिज्ञासु, हरीश, सरोज, सेंथिल, राहुल, ऋतिक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।